आपको खबर से आगाह करें, मोहसिन लगारी के बेटे के दावत वलीमा में फवाद चौधरी और मुबशर लुकमान में झगड़ा हो गया। फवाद चौधरी ने मुबशर लुकमान को थप्पड़ मारा। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल से। उल्फत बताइएगा ये मामला क्या हुआ? जी बिल्कुल, ये मामला आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असेंबली मोहसिन लगारी के बेटे की दावत वलीमा की तकरीब थी, जिसमें मुख्तलिफ नाज़रीन थे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी भी उसमें मौजूद थे, जिसके बाद मुबशिर लुकमान जो के एंकर है वो वहां पर पहुंचे, और जब वो पहुंचे तो उस वक्त जहांगीर तरीन और से बातचीत कर रहे थे फवाद चौधरी। तो मुबशिर लुकमान ने हरीम शाह का आकर मामला छेड़ा, जिस पर फवाद चौधरी ने उन्हें मना किया और मना न करने पर उन्हें थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद दोनों गुत्थम हो गए और वहां पर मौके पर मौजूद लोगों ने जाए वो भी बचाव कराया। जी उल्फत हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे। साथ ही अपने नाज़रीन को बताएं कि वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा है कि मुबशिर लुकमान जैसे लोगों का सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं, ये लोग सहाफत में घुस गए हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब करना सबका फ़र्ज है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुबशिर लुकमान जैसे लोगों का सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे लोगों को बेनकाब करना सबका फ़र्ज है।